वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। पाल चैंबर पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नगर निकाय के चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। वैसे तो निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो कांग्रेस अपने रिजल्ट से सबको चौंका देगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है, इसमें आपकी क्या राय है, तो इस पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत बयान में इतना ही कहूंगा कि सभी मुस्लिम भाई कोशिश करें कि विवाद की स्थिति ना बने। देखिए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। नगर निकाय को लेकर के आपने बहुत बातें कही, क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय का चुनाव कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ने जा रही है? आपने अगर पूरी बातें सुनी हैं तो आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है। अब पूरी ताकत से तैयारी से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद नहीं, यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस सबको चौंकाने वाले रिजल्ट देगी। मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव है, उसे लेकर क्या कहेंगे? अभी ये जल्दबाजी है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अनाउंस हुए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बहुत से बाई इलेक्शन हम नहीं लड़े हैं, तो अभी नेतृत्व तो ये तय करेगा। क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान है, उसके बाद हमारी पार्टी की जो प्रदेश की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो आ जाएंगी तो वो हमें बुलाएंगी। इसके बाद इस समय जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे, अभी इस पर तय नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का फैसला है स्वागत है, हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, हमें पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो कंटेम्प्ट है और कांग्रेस पार्टी कभी कंटेम्प्ट का काम नहीं करती। नेता अब्दुल्ला आजम के जन प्रमाण पत्र उनके पक्ष में किया है कि विरोध में खारिज कर देने का जी, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, तो फिर वही बात आ गई, हम आजम खान साहब के या अब्दुल्ला साहब के या किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर ये मामला हमारा भी होता तो हम कोर्ट का फैसला मानते, मैं इसमें क्या कहूँ? अगर मेरा मामला भी होता तो कोर्ट का फैसला मानते, मैं और क्या कह सकता हूँ। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई है और पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, देखिए ऐसा है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि विवाद न पैदा हो और कोशिश हम ये करें कि भले ही मेरा सुझाव है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और ये मैं पार्टी की तरफ से नहीं व्यक्तिगत एज ए मुस्लिम बयान दे रहा हूँ, ये पार्टी का बयान नहीं, जिस जो सवाल आपने किया है इसका जो मैं जवाब दे रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मेरी ओपिनियन है और व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है, व्यक्तिगत मेरी विनती है सभी मुस्लिम भाइयों से कि कोशिश ये करें कि विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। अभी के लिए इतना ही, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।